वीर जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अगर मैं कहाँ कि मेरे वर्गे सिख तो मैं तो बड़ा व्डा निमाणा है वा। कई बार जाने अनजाने बहुत सारी यह गलतियां हो जाए जिद करके कि मतलब मैनू भी मतलब इन्ना ज्ञान नहीं है, पर हाँ यह जरूर है कि मैं कभी भी लाइफ के स्टेज नहीं छड़ता कि जिते एक लर्निंग स्टेज जिसमें इंग्लिश कहते मैं कभी भी कोई सीखने नवी चीज़ मिलती उन्होंने जरूर एबजॉर्ब करता। हो सकता है गुरबाणी गायन करद, हो सकता है संगत की सेवा करद, हो सकता है संगत विचरते हुए बहुत सारी गलतियां हो जाए, पर यह मैं बेनती जरूर करता संगत को कि संगत जी इस इलेक्शन के जो भी माई भाई मेरी आवाज़ सुन रहा है उन्होंने मैं बेनती करना कि जो भी इस इलेक्शन के कैंडीडेट चुनना है यह ध्यान रखना कि यह जी इलेक्शन हैगी है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शन है। यह गुरद्वारा के साडे सिखी अदारे साडे इंस्टीट्यूट की जी प्रबंधी इलेक्शन है और इसनों तुम दिमाग के रख के वोट पानी है, किसी होर लालच नहीं आना कि किस क्योंकि अज जो गल् हो रही ने वो राजनीति दल् हो रही ने और गल् योजना हो रही ने कि जीडिया दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध में छड़ के हर किस्म की वो गल हो रही है और मेरी बेनती है कि तुम यह गल वो उस कैंडीडेट को सपोर्ट करना है कि जिहड़ा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध की गल करे और तुहानू पता होए कि वो तुहाडे नाल दुख सुख दे विच और तुहाडे जिहड़े पंथक कारज हन उहनां विच हर वेले तुहाडे नाल खड़ा है। बस एक साडा क्वेश्चन होर सीगा कि सवेरे सवेरे 5 बजे उठ के तुसीं गुरु महाराज दा नाम जपदे हो बाणी जपदे हो अग्गे की है? वीर जी देखो साडी मैं गल दसदा कि जिस तरह मेरे फादर साहब चेयर मैंबर रहे ने 11 साल असीं मैरोली बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे अखंड पाठ साहब की लड़ी स्टार्ट की 431 अखंड पाठ साहब की लड़ी चली और मजे की गल होंगी कि जेडे परिवार अखंड पाठ साहब रखवाते उत्थे आके उस पूरी पूरी जी है पार्टीसपेशन करके मतलब उत्थे पाठ सुनते भी सी ते नाले हर सारे उन्होंने एक एक माँ भैन उन्होंने जो रिश्तेदार होंगे सारे आके उत्थे जेडे प्रेजेंट होंगे सन और मेरी बेनती हैगी है कि संगत को भी कि जब आप सारे मेरी झोली जित पाओ आ अखंड पाठ साहब की लड़ी जी 2013 के टुट गई थी उसको दोबारा स्टार्ट किया जाएगा और होर भी अमृतपान के होर गुरबाणी के होर भी जो पंथक कार्य उन्होंने वध चढ़ के किया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चलो मैं खन्ना साहब के बारे मतलब पहला मैं लाली जी के फादर साहब के बारे गल करना चाहवागा कि उन्होंने साढ़े महरौली स्थान के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा साडा स्थान हैगा उत्थे बहुत उन्होंने सेवा की है। उन्होंने हमेशा उस स्थान के बारे हमेशा ख्याल किया हैगा। उन्होंने उत्थे एक लड़ी चलाई सी जी सानू अज भी याद आती है कि 101 की लड़ी जी पता नहीं कितनी लंबी चली गई थी वाहिगुरु की कृपा नाल। खन्ना साहब हमेशा उत्थे सहयोगी रहे ने ते असी हमेशा यही आस की सी कि कोई भी बंदा होवे उत्थे हमेशा सहयोग करे, लेकिन अज के टाइम सानू यह निराशा मतलब मिली कि साडा जिहड़ा स्थान सीगा जिस तरह हुणे सिक्का साहब तुहाडे नाल गल कर रहे थे कि नाल वाला जिहड़ा प्लाट हैगा असी लैना चाहते सीगे, लेकिन सानू कोई भी इस तरीके का सहयोग नहीं मिलिया। तो हुण अज असी खन्ना साहब के जिहड़े अपने बेटे हैगे उन्होंने अंदर उन्होंने दी वो पिक्चर देख रहे तो सानू पूरी उम्मीद है कि लाली जिहड़ा साडा छोटा भरा हैगा वो इस अंदर हर हाल च सक्सैस होकर सानू वो प्लाट दवाएंगे तो वाहिगुरु मेहर करन बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीदी स्थान जिहड़ा है वो मेन रोड से आ जाएगा तो हर बंदे नूं स्थान जिहड़ा एडा वड्डा स्थान वो हमेशा नजर आएगा।